हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है तारीख 2 जनवरी, लेकिन ये व्लॉग है 31 तारीख का। एक्चुअली कुछ वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पा रही थी, इसलिए मैंने आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं ओरियो बिस्किट का केक बना रही हूँ न्यू ईयर सेलिब्रेट के लिए। तो 2 पैकेट मैंने ओरियो बिस्किट लिए और इस तरीके से मैंने इसे तोड़कर ये जार में डाल दिया है। और इसकी क्रीम जो है नहीं निकाली है मैंने, ऐसे ही डाल दिया है। कई लोग क्रीम निकाल कर बिस्किट यूज़ लेते हैं, बट मैं नहीं निकाली, मैं ऐसे ही डाल दिया है मैंने। और ये कढ़ाई हो गर्म होने के लिए रख दिया है स्टैंड डालकर। सो आज मैं इसमें बनाने वाली हूँ केक। बहुत बढ़िया केक बना था, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना, बहुत बढ़िया लगा था सबको। तो ये देखो, ये मैंने बैटर बना लिया है। इसमें थोड़ा आधा ग्लास दूध डाल लिया था बिस्किट के साथ, और इसी में ही मैंने फेंट लिया था। तो ये बैटर हमारा तैयार हो गया है। 1 पैकेट मैं इसमें इनो डाल दूँगी, और कुछ भी नहीं डालना, बस दो तीन इंग्रेडिएंट्स के साथ ही हमारा केक एकदम फ्लफी बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखो, मैंने इसमें इनो और थोड़ा सा दूध डाल दिया, और इसे बढ़िया सा फेंट लूँगी। और बस इसे मोल्ड पर मैंने वो बटर पेपर लगाकर, ऑयल लगाकर रख दिया है। और बस ये देखो, ये लगा लिया है, और इसमें मोल्ड में डालकर उसमें बेक होने के लिए रख दूँगी। मोल्ड में मैंने ऑयल वेस लगाया था, डस्टिंग नहीं की थी मैदे से, तो ऐसे ही खूब अच्छे से केक बाहर आ गया था। और इसे थोड़ा सा टैप टैप कर लूँगी ताकि इसके एयर बबल्स जो होते हैं ना, वो सारे निकल जाएं। सो गाइस, आप लोग देख सकते हो मैंने कढ़ाई पहले ही रख दी थी गर्म होने के लिए, तो स्टैंड उल्टा रखा है क्योंकि वो ना ऊंचा पड़ रहा था, इसलिए मैंने उल्टा ही रख दिया था। तो ये बेक होने के लिए रख दूँगी मैं 25 से 30 मिनट के लिए। सो गाइस, केक अच्छे से पक गया है। मैंने ऐसे टूथपिक डालकर देखी तो एकदम ये साफ़ निकली, तो बढ़िया सा केक हमारा पक गया है। और बस ये ठंडा होने के बाद मैंने इसे मोल्ड से बाहर निकाल लिया था, और इसके ऊपर चॉकलेट सिरप जो होती ना, वो डाल दिया था बस। और एक्चुअली केक जो है रात में हम लोग नहीं काटे थे, क्योंकि हम लोग मूवी वगैरह देखने लग गए थे, तो लेट हो गया था काफ़ी, तो इस वजह से फिर नहीं काटे थे। एक्चुअली केक कटा ही नहीं, मतलब बनाया था जिस रीज़न से, बट वो कटा नहीं, लेकिन बहुत यम्मी बना था केक यार। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। ऐसे ही नॉर्मल मैं ही काट ली थी, क्योंकि वो काट ही नहीं रहा था कोई, कभी मौका ही नहीं लग रहा था काटने का, कभी यहाँ चला गया कोई, कभी वहाँ चला गया, तो इस वजह से केक नहीं कट पाया था, तो मैंने ही ऐसे ही काट लिया था फिर। सो ये देखो, ओरियो बिस्किट का केक हमारा बनकर तैयार हो गया। बहुत ही यम्मी बना था यार सच में। सो गाइज़, इसके बाद मैं नेक्स्ट डे का आप लोग के साथ व्लॉग शेयर कर रही हूँ। सो हम लोग 1 जनवरी को चले गए थे घूमने, तो चलिए आज आप लोग के साथ वहाँ का ब्लॉग शेयर करती हूँ। सो मैंने विश भी नहीं किया, सो अभी विश कर रही हूँ हैप्पी न्यू ईयर गाइस आप सबको मेरी तरफ से। तो चलो मैं जा रही हूँ घूमने। कहाँ कहाँ जा रही हूँ? घूमने जा रही हूँ गाइस। हम लोग निकल गए हैं घर से, और ये डीजल वगैरह भरवा रहे थे कार में, और मम्मी और दीदी गए हैं वॉशरूम। बस फिर हम लोग पहुंचते हैं, आप लोग को आगे का अपडेट देती जाऊंगी। सो गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे हम लोग जा कहाँ रहे हैं। सो हम लोग ना एक्चुअली घनसौर है मंडला के आगे, 1 से 1.5 घंटे लगते हैं घनसौर जाने के लिए, तो उसके आगे है थोड़ा और, तो वहाँ पे पायली कुछ करके है जगह, तो वहाँ पर गए थे हम लोग। बहुत ही बढ़िया प्लेस था, आप लोग को भी चलिए मैं आप लोग को दिखाऊंगी आगे, तो बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पर। सो गाइस, मौसम बढ़िया सुहाना सा था, और आप लोग देख सकते हो बढ़िया सा यहाँ पर सरसों के पेड़ वगैरह लगे थे, तो मैंने व्यू ले लिया था यहाँ का, बहुत अच्छा लग रहा था। अभी लगभग 1:30-2 बजे थे हम लोग निकल गए थे लगभग 1 बजे, तो थोड़ा सा लेट हो गया था क्योंकि दूर पड़ता है, पास में नहीं था। ये क्या है, बगुले। सो गाइस, हम लोग पूरी रास्ता एंजॉय करते हुए गए, और आप लोग खुद ही देख सकते हो यहाँ का वेदर बहुत बढ़िया था। तो हम लोग रास्ते में एक जगह रुककर फोटो वगैरह भी क्लिक की, आप लोग के साथ शेयर करूँगी अभी। फोटो बड़ी फोटो आएगी यहाँ से, बगल में खड़ा जाना पकड़ के।
सो गाइस, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, यहाँ पर हम लोग का फोटो सेशन हो रहा है। अभी तो दीदी का हुआ, बट हम लोग और भी लोग, पूरी फैमिली गई थी आज, तो पापा भी थे। कई लोग बोलते हैं ना कि पापा आपकी वीडियो में नहीं दिखते हैं, तो आज पापा जी भी आ गए थे, मतलब पूरी फैमिली गई है। तो वो वगैरह क्लिक होने के बाद हम लोग निकल गए। थोड़ी दूर तक जाने के बाद हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, फिर इन्होंने चेंज वगैरह किया टायर। रोड बहुत ख़राब थी तो इस वजह से टायर भी पंचर हो गया, और ये मैंने वीडियो भी ले लिया। इन्होंने बोला ले लो वीडियो, तो बस ये वीडियो ले लिया था मैंने, और 5 मिनट लगा था, सॉरी 5 मिनट नहीं, 15-20 मिनट में टायर बढ़िया लगा लिया था इन्होंने दूसरा, फिर हम लोग निकल गए थे। सही बात है कुछ। सो हम लोग पहुंच गए हैं पायली। एक्चुअली बहुत भीड़ थी, ट्रैफिक बहुत था, बहुत सारे लोग आए हुए थे घूमने, तो यहाँ पर जाम सा हो गया था और रोड भी काफ़ी गंदी थी। कई लोग तो बोल रहे थे कि मत जाओ, यहीं से ही वापस लौट जाओ, बट हम लोग गए थे फिर, तो ये गाड़ियाँ जो हैं, कई गाड़ियाँ गई नहीं, वापस ही लौट गई आधी रास्ते से, और भी लोग बोल रहे थे कि मत जाओ। फिर एक्चुअली हम लोग वापस नहीं गए, पापा ने बोला इतनी दूर तक आए हैं तो अब घूमकर ही जाएंगे। तो फिर थोड़ी देर के बाद वहाँ पर वापस आ गई थी कई गाड़ियाँ, तो खाली हो गया था, फिर हम लोग आ गए थे। थोड़ा सा दिक्कत हुई बट जगह बहुत बढ़िया थी, अभी आप लोग को लेकर चलती हूँ। तो जो हम लोग काना गए थे उसी टाइप का यहाँ पर भी लग रहा था, बिल्कुल जंगल लग रहा था, घना जंगल एकदम। सो गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं, ये आंडवान हम लोग गए थे ना घूमने, वहाँ का फील दे रहा था, बहुत बढ़िया लग रहा था। तो आप लोग देख सकते हो, देखो पानी और बादल दोनों एक से लग रहे हैं, मतलब वो जो टापू है वो बिल्कुल आंडमान का फील दे रहा था। और यहाँ पे पापा के कुछ फ्रेंड आ गए थे पहले ही, तो यहाँ पर गुक्कड़ वाटी वगैरह बनी, तो हम लोग को थोड़ा लेट ही हो गया था पहुँचने में, और भी बहुत सारे लोग थे। वो देखो, मैं आप लोग के लिए वीडियो ले ली थी, कई लोग खाना बना रहे थे, तो अभी 4 बज गए थे, हम लोग पहुँचते पहुँचते लेट हो गया था, टायर भी पंचर हो गया, रोड भी ख़राब, सब कुछ था, तो इस वजह से थोड़ा लेट हो गया था। तो यहाँ पर आने के बहुत बहुत बढ़िया लग रहा था, देखो व्यू बहुत अच्छा था। तो हम लोग आधा एक घंटे यहाँ पर रुके, एंजॉय किए थोड़ी देर, फिर उसके बाद हम लोग बस यहाँ पर से फिर वापस निकल गए थे। खाना वगैरह खाया, वो हम लोग के लिए भी बनाकर रख ली थी बाटी वगैरह, तो हमने खाया वहाँ पर, बस फिर हम लोग निकल आए। तो साइड साइड से हम लोग निकल कर यहाँ घूम रहे थे कार से, और देखो पानी और बादल, बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना कहाँ आ गए हम लोग, बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोग भी बताइएगा आप लोग को कैसा लगा ये प्लेस। और बस ये हम लोग के आगे वाली गाड़ी है जो पापा की फ्रेंड है ना, तो हम लोग दोनों फिर साथ में हो गए थे लास्ट में लौटते टाइम। तो थोड़ी देर यहाँ पर घूमा, फिर हम लोग निकल आते हैं घर के लिए। सो रास्ते में हम लोग को फैक्ट्री पड़ी किसी चीज़ की, तो यहाँ पर मैंने वीडियो ले लिया था, और बस बहुत बढ़िया लग रहा था। ये देखो शाम का हम लोग लौट रहे थे तो लिया था, ये लाइटिंग है ना बहुत बढ़िया लग रही थी, देखो व्यू बहुत बढ़िया लग रहा था। सो गाइस, घर पहुँचते पहुँचते हमें थोड़ा लेट हो गया था, 8-9 बज गए थे, तो घनसौर में हमने चाय वगैरह पी, और घर से हम लोग ले गए थे चूड़ा नमकीन पोहा वाला, घर में मम्मी ने बनाया था, तो वहाँ पर बस हमने खाया थोड़ा बहुत चाय के साथ, और बस इंजॉय करते हुए गए, इंजॉय करते हुए वापस लौटे। तो अब करती हूँ व्लॉग का एंड, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग को आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर।